में बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर अपनी राय रखी, बता दिया कि बजट में तो कुछ है ही नहीं, जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया। फिर राहुल गांधी को जवाब भी दिया बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते बात पहुंच गई और भी आगे, और फिर दिल्ली से बात मध्य प्रदेश तक आ गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया है, तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। रिपोर्ट देख लीजिए। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जातीय जनगणना को लेकर संसद में हो रहे हंगामे के बाद संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का जवाब था। कह दिया कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। लेकिन राहुल गांधी इसे एक दूसरी दिशा में ले गए। उन्होंने कहा कि मुझे गालियां दी गई। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मुझे, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगू, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। अखिलेश यादव भी भड़क गए। उन्होंने भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होकर कहा कि अनुराग ठाकुर किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप, पूछ के दिखाओ जाति को। फिर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया कि हमने किसी का नाम लिया ही नहीं। था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में भी राजनीति गर्मा गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बीजेपी पर हमलावर हो गए। पटवारी ने कहा कि हमारी पार्टी जातिगत जनगणना करना चाहती है ताकि जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी हो, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। अनुराग ठाकुर ने सदन में जो बयान दिया उससे साफ है कि बीजेपी के लोग जातिगत जनगणना नहीं चाहते हैं, यही बीजेपी की सोच है। हर बार ये ओबीसी एसटी एससी और जो दलित परिवार के लोग हैं, जो देश का आम नागरिक है, जो वंचित है, पीड़ित है, जो दुखी है, जो ये चाहता है कि इस देश के संसाधन पर उसका भी अधिकार है, उसका अपमान करते हैं अनुराग ठाकुर ये बता के कि जिसकी जाति का पता नहीं। ये यही तो पता करने की कोशिश है। ये शब्द, ये अहंकार, ये भाषा, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अनुराग ठाकुर ने संसद में जो कहा वो भले ही विपक्ष को पसंद ना आया हो, लेकिन बीजेपी ने भी जीतू पटवारी को जवाब दिया और अनुराग ठाकुर का बचाव किया। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता लगातार बंटवारे की राजनीति करते हैं, समाज में विभिन्नता फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि 50 सालों तक उनकी केंद्र से और राज्यों तक में सरकारें रहीं, उस समय कांग्रेस ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई, क्यों पहल नहीं करी, और आज कांग्रेस के नेता केवल और केवल इस तरह के अलगाव फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय जनगणना तो विपक्ष के चुनावी एजेंडे का हिस्सा रहा है, लेकिन एक बात सोचने वाली है, देश में शिक्षा हो, सरकारी व्यवस्था हो, हर जगह आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, धर्म पूछा जाता है, जाति पूछी जाती है, तो फिर जाति के सवाल पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी के नेता तो पहले ही राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण करार दे चुके हैं, तो फिर आज जाति पर इतनी आपत्ति क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।